वज़ीर आला सिंध कोरोना के खिलाफ इकदाम के लिए मुतहरिक हो गए। एक दिन में चार इजलास की सदारत की। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत के कोरोना के खिलाफ बेहतरीन इकदाम पर अवाम ने तारीफों के पुल बांध दिए। सोशल मीडिया पर सिंध हुकूमत की तारीफ टॉप ट्रेंड में शामिल हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला सिंध कोरोना के खिलाफ इकदाम के लिए मुतहरिक हैं और एक दिन में चार इजलास की सदारत की है। इस हवाले से बात करेंगे, आजाद नौरी हमारे साथ मौजूद हैं। आजाद, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इस वक्त चौथा इजलास हुआ है कोरोना वायरस से निपटने के लिए वज़ीर आला में जारी है। ये सुबह एक टास्क फोर्स का दूसरा इजलास है। इससे पहले एक इजलास सुबह सदर हुआ था, उसके बाद में सुबह डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास हुआ था, उसके बाद में वफाकी हुकूमत के साथ वीडियो लिंक के जरिए इजलास हुआ। ये चौथा इजलास है जो सुबह एक टास्क फोर्स है, जिसमें सुबह वज़ीर सेहत, मुशीर कानून, वज़ीर बलदियात, आई जी सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर हुकाम जो इस इजलास में शरीक हैं। इस इजलास में आज जो सखर में जो जायरन पाकिस्तान से वापस पहुंचे थे, उनका जो चिकास किया गया है, डायग्नोज की गई है, उस हवाले से दिल्ली ली गई है। वज़ीर आला सिंध ने वाजह तौर पर कह दिया है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सिंध हुकूमत के तमाम तरह के नुमाइंदान हैं या इंतजामिया है मुतरक किरदार अदा करें और मुसलसल जो है वो वज़ीर आला सिंध से भी रबते में रहे। 12 जो है सिंध भर में आइसोलेशन वार्ड जो है बड़ी अस्पतालों में कायम कर दिए गए हैं। सखर डिवीजन में 4 जो है आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिए गए, जिसके बाद इस वक्त सोशल मीडिया पर जो सिंध हुकूमत के इकदाम है उसकी तारीफ की जा रही है। बंद बांध लिया आवाम ने, खासतौर पर जो सिंध हुकूमत ने अमली तौर पर इकदाम उठाए इस हवाले से। इस वक्त भी इजलास जारी है। वज़ीर आला सिंध ने शहर में जो आइसोलेशन वार्ड है उनका खुद ने जाकर दौरा किया, ब्रीफिंग ली और उसके बाद में इस वक्त भी उनका इजलास जारी है। और सिंध हुकूमत ने ये भी वाजह तौर कह दिया है कि इस मामले में कोई किसी किस्म की स्कोरिंग नहीं की जाएगी और वफाकी हुकूमत से मुकम्मल तौर पर रबते में रहेंगे ताकि कोरोना वायरस से निपटा जाए। ये इस वक्त सूरत हाल है, कौम को जोड़ने की है, तोड़ने की नहीं है। इस हवाले से उन्होंने साथी दीगर जो जमातें हैं अपोजिशन की, उनसे भी अपील की है कि वो इस मामले में सिंध हुकूमत का तावन करें। इस सूरत हाल में तावन करेंगे तो कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। ये सबका मसला है, किसी एक का नहीं है। ठीक है आजाद, शुक्रिया आपका। वज़ीर आला में जारी है। ये सुबह एक टास्क फोर्स का दूसरा इजलास है। इससे पहले एक इजलास सुबह सदर हुआ था, उसके बाद में सुबह डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास हुआ था, उसके बाद में वफाकी हुकूमत के साथ वीडियो लिंक के जरिए इजलास हुआ। ये चौथा इजलास है जो सुबह एक टास्क फोर्स है, जिसमें सुबह वज़ीर सेहत, मुशीर कानून, वज़ीर बलदियात, आई जी सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर हुकाम जो इस इजलास में शरीक हैं। इस इजलास में आज जो सखर में जो जायरन पाकिस्तान से वापस पहुंचे थे, उनका जो चिकास किया गया है, डायग्नोज की गई है, उस हवाले से दिल्ली ली गई है। वज़ीर आला सिंध ने वाजह तौर पर कह दिया है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सिंध हुकूमत के तमाम तरह के नुमाइंदान हैं या इंतजामिया है मुतरक किरदार अदा करें और मुसलसल जो है वो वज़ीर आला सिंध से भी रबते में रहे। 12 जो है सिंध भर में आइसोलेशन वार्ड जो है बड़ी अस्पतालों में कायम कर दिए गए हैं। सखर डिवीजन में 4 जो है आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिए गए, जिसके बाद इस वक्त सोशल मीडिया पर जो सिंध हुकूमत के इकदाम है उसकी तारीफ की जा रही है। बंद बांध लिया आवाम ने, खासतौर पर जो सिंध हुकूमत ने अमली तौर पर इकदाम उठाए इस हवाले से। इस वक्त भी इजलास जारी है। वज़ीर आला सिंध ने शहर में जो आइसोलेशन वार्ड है उनका खुद ने जाकर दौरा किया, ब्रीफिंग ली और उसके बाद में इस वक्त भी उनका इजलास जारी है। और सिंध हुकूमत ने ये भी वाजह तौर कह दिया है कि इस मामले में कोई किसी किस्म की स्कोरिंग नहीं की जाएगी और वफाकी हुकूमत से मुकम्मल तौर पर रबते में रहेंगे ताकि कोरोना वायरस से निपटा जाए। ये इस वक्त सूरत हाल है, कौम को जोड़ने की है, तोड़ने की नहीं है। इस हवाले से उन्होंने साथी दीगर जो जमातें हैं अपोजिशन की, उनसे भी अपील की है कि वो इस मामले में सिंध हुकूमत का तावन करें। इस सूरत हाल में तावन करेंगे तो कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। ये सबका मसला है, किसी एक का नहीं है। ठीक है आजाद, शुक्रिया आपका।